बजे काला पाठा कैन में चोरी होते होते बची है। वारदात को देखने वाले ईशान का कहना है कि कल रात उन्होंने कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो चोर हाथों में हथियार लेकर गाड़ी ले जा रहे थे। ये देखकर ईशान चोरों के पीछे भागने लगे, लेकिन चोर गाड़ी छोड़ भाग निकले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुना शहर में आए दिन लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। वहीं इसी ओर कैंट थाना क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। वहीं मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट। तो आपके साथ क्या घटना हुई? कल रात में 2 बजे के लगभग कुत्ते भूख रहे थे, बहुत ज्यादा भूख रहे थे, आवाज आ रही थी। देखा कि क्या हुआ, ज्यादा भूख रहा, हमारा कुत्ता ही भूख रहा था। अंदर से मैंने खिड़की में से बाहर जाके देखा, इसी खिड़की में से तो गाड़ी उठा के लेके जा रहे थे, जल्दी से भगा बाहर। कितने बजे? 2 बजे के लगभग, 2:10 हो रहे होंगे। हाँ, तब की घटना। कितने लोग थे वो? लगभग 7 लोग थे। अच्छा, तो फिर आपकी चोरी हुई? नहीं, चोरी नहीं हो पाई, गाड़ी ले जा नहीं पाए, पक्की चला गए। अच्छा, फिर आपने पुलिस को बताया इस बारे में? पुलिस ने सुबह FIR करवा दी, वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी दे दी। क्या कहा उन्होंने? ये तो भाई गए थे, भाई को मालूम